नमस्कार, वीआईपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हिंदी ऑडियो आर्टिकल में डीएलएड शिक्षा दिग्दर्शन द्वितीय सेमेस्टर से विषय विज्ञान अध्याय 11 चैप्टर है अम्ल, क्षारक तथा लवण के बारे में। तो इसमें जान लेते हैं उस तत्व का नाम लिखिए जो अम्लों की आवश्यक अंग हो। तो हाइड्रोजन अम्लों का आवश्यक अंग है। अम्ल जल में घुलकर कौन से धनायन बनाते हैं? अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन धन आयन बना देते हैं। NaKSSO4 किस प्रकार का लवण है? यह एक मिश्रित लवण है। अम्ल एवं क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? अम्ल एवं क्षारों की प्रबलता आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है। अम्ल की क्षारकता कैसे ज्ञात करेंगे? अम्ल की क्षारकता को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अम्ल की क्षारकता बराबर अम्ल का अणु भार बटे अम्ल का तुल्यांकी भार। हाइड्रेसिड से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा अधातु तत्व या आयन होते हैं और इनमें ऑक्सीजन नहीं होती है हाइड्रेसिड कहलाते हैं, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोराइड, HCN, H2S आदि। थायो अम्ल कैसे बनते हैं? जब ऑक्सी अम्लों की ऑक्सीजन अंशतः या पूर्ण रूप से गंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो थायो अम्ल बन जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से थायो सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O3 तथा रासायनिक अम्ल HCNO से थायो रासायनिक अम्ल HCNS बनते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं उन्हें कौन से अम्ल कहते हैं? जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं उन्हें हाइड्रेसिड अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है जो BTC 2016 में पूछा गया है, अम्ल क्या है? अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कैसी क्रिया है? अम्ल के पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और पानी का बनना उदासीनता की क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन का प्राकृतिक रंग कौन सा होता है? यह किस प्रकार बनाया जाता है? लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है। इसे थैलोफाइटा वर्ग के शैवालों से निष्क्रिय किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसमें नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो नाइट्रिक अम्ल का HNO3, एसिटिक अम्ल का CH3COOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अगला प्रश्न है, धातुओं से अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं? धातुओं अम्लों से अभिक्रिया करके उनके हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं तथा अम्ल के शेष भाग से संयोजी होकर लवण बनाती है, जैसे अम्ल धन धातु। अगला है, लवण धन हाइड्रोजन गैस। क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परस्पर मिलाए जाते हैं? तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परस्पर मिलाए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं? धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संबंधित लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देते हैं, जैसे धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अगला है, सूचक क्या है? वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों के विभिन्न रंग देते हैं। लिटमस, मेथिल, ऑरेंजन, फिनॉल, फथेलिन आदि कुछ सामान्यता प्रयोग में आने वाले सूचक हैं। प्रति अम्ल क्या है?
अम्लता यानी एसिडिटी से पीड़ित व्यक्तियों को औषधि स्वरूप दिया जाने वाला क्षारीय पदार्थ प्रति अम्ल कहलाता है। प्रति अम्ल तनु क्षारकों जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्या परिभाषित कीजिए। उदासीनी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। लवण तथा जल बनाने के लिए अम्ल तथा क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड में मिलाया जाता है। इस अभिक्रिया की समीकरण भी दीजिए। विलयनकरण नीला हरा हो जाता है तथा कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नीला हरा रंग कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारों की भांति अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। क्षारों के समान व्यवहार प्रदर्शित करने के कारण इन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लों की भांति क्षारों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। अम्लों के समान व्यवहार प्रदर्शित करने के कारण उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। अम्ल विद्युत का चालन क्यों करते हैं। अम्ल विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। अम्लों में हाइड्रोजन आयन कब उत्पन्न होते हैं। अम्लों में हाइड्रोजन आयन जल की उपस्थिति में ही उत्पन्न होते हैं। अम्लों से हाइड्रोजन आयनों के विलगन जल की अनुपस्थिति में ही नहीं हो सकता। उदाहरण जैसे HCl प्लस H2O यानी कि H3O धन आयन प्लस Cl ऋण आयन। अब बेकिंग पाउडर के दो घटकों के नाम बताइए। बेकिंग पाउडर के दो घटकों के नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, अगला है अम्ल जैसे टार्ट्रिक अम्ल तथा सिट्रिक अम्ल। वाशिंग सोडा के निर्माण में प्रस्तुत कच्चे पदार्थों के नाम बताइए। सोडियम क्लोराइड अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। वाशिंग सोडा के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिटमस पत्र पर यह लाल लिटमस को नीला कर देगा। बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण गुण लिखिए। बेकिंग सोडा एक सफ़ेद ठोस पदार्थ है तथा यह वायु में अस्थाई होता है। बेकिंग सोडा जल में अल्प विलेय है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। दो साधारण लवणों के नाम लिखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। वाशिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। यह वाशिंग पाउडर में प्रयोग होता है, यह साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, गंदे जल को स्वच्छ करने में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। इसका अणु सूत्र भी लिखिए। गंदे जल को स्वच्छ करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट अपक्षेपित होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट जैसे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 से 2NaCHO3 सोडियम कार्बोनेट। अब अगला प्रश्न है, धावन सोडा जलीय विलयन में अम्लीय अथवा क्षारीय कैसे होता है। धावन सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब अगला है जो BTC 2016 में पूछा गया है, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। सिरके का रासायनिक सूत्र CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। लास्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है। वायु में खुला छोड़ देने पर विरंजक चूर्ण
में क्लोरीन निरंतर निकलती रहती है। धन्यवाद इस ऑडियो आर्टिकल को सुनने के लिए। ऐसे ही ऑडियो आर्टिकल सुनना है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।